वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम पीटीआई अरकान कौमी असम्बली को खत लिख दिया और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान किसी भी रुकन को असम्बली इजलास में शरीक न होने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म ने बतौर पार्टी चेयरमैन खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि असम्बली इजलास में शिरकत की सूरत में आर्टिकल 63 का इतलाक होगा। खत तमाम अरकान को इनफरादी तौर पर अरसाल किया गया। चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला पंजाब नामजदगी के बाद उस्मान बुज़दार खुद मैदान में आ गए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान हुक्म दें तो सियासत भी छोड़ने को तैयार हूँ। पार्टी ने परवेज इलाही को नामजद किया, इनकी कामयाबी को यकीनी बनाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म सच्चे हैं और वाकई इन्हें धमकी दी गई है तो इस मुल्क के सफीर को मुल्क बदर करें। अगर खत वज़ीर आज़म देख सकते हैं, जज देख सकते हैं, तो पार्लियामान के मेंबर क्यों नहीं देख सकते। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रुकने कौमी असम्बली रुबीना इरफान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट देने से इनकार करते हुए कहा है कि पीटीआई वाले अफवाहें फैला रहे हैं, इन्हें अदालत लेकर जाऊंगी। नामजद वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद फोन किया और बनीगाला आने की दावत दी। बनीगाला पहुंचे तो कहा, आप हमारी तरफ से वजारत आला के उम्मीदवार हैं और इस फैसले पर पीटीआई के एमपीएस भी बहुत खुश हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि बैंक दुनिया भर में बढ़ते हुए साइबर जराइम के पेश नजर खातादारों की रकम और जाती डेटा की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। बैंक सार्फिन के पैसों के मानदार हैं, बैंक सार्फिन की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल करें। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से सार्फिन को महफूज बनाने के लिए सार्फिन को बैंकिंग के तरीकाकार के बारे में आगाही दी जाए।